संसद में गुरुवार को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिंदुरी ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के लिए बहुत बुरी और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किए, जिसके बाद संसद में हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद रमेश बिंदुरी की भाषा पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कार्रवाई की मांग की। संसद में सभी सांसदों को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, चाहे सांसद किसी भी दल का क्यों ना हो। बीजेपी सांसद रमेश बिंदुरी चौतरफा घिर गए हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो में संसद में घटित घटना पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि संसद में क्या हुआ था, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। बसपा सांसद रमेश बिंदुरी ने गुरुवार को संसद में चल रही एक चर्चा के दौरान बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। इस दौरान संसद में उनके बगल में बैठे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन पाटिल और रविशंकर प्रसाद को हंसते दिखाई दिए थे, जिसके बाद उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बसपा सांसद रमेश बिंदुरी ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के लिए मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। बीजेपी सांसद रमेश बिंदुरी के संसद में दिए विवादित बयान वाले मामले में सोशल मीडिया पर ट्रोल होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हर्षवर्धन पाटिल ने कहा, मैंने ट्विटर पर अपना नाम ट्रेंड होते देखा है, जहां लोगों ने मुझे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बेवजह घसीटा है, जहां दो सांसद सदन में एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने लिखा, हमारे वरिष्ठ और सम्मानित नेता राजनाथ सिंह जी पहले ही दोनों पक्षों के द्वारा इस तरह के अनुचित भाषा के उपयोग की निंदा कर चुके हैं। मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछता हूँ जो आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, क्या वे वास्तव में मानते हैं कि मैं कभी भी ऐसे आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल में भागीदार बन सकता हूं, जो किसी एक समुदाय की संवेदना को ठेस पहुंचाता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दानिश अली के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के बाद अपना प्रतिक्रिया दी है, जिसमें मायावती ने कहा, दिल्ली में भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी की, हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दे दी है और वरिष्ठ नेता ने सदन में माफी मांगी है, तो पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी भी उचित कार्रवाई नहीं किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर बसपा नेता आकाश आनंद ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला और एक ट्वीट करते हुए कहा कि एक सांसद को बीजेपी का एक गुंडा सांसद भरी सदन में मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी कह देता है और देश का प्रधान सेवक और उनकी पार्टी अब खामोश बैठी है। यह वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास जैसे खोखले जुमले देती है। यह हाल हो गया है देश की संसद को। दरअसल यही असली चेहरा है बीजेपी का, जो अब हर दिन बेनकाब हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को बीएसपी सांसद दानिश अली से उनकी निवास पर मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेता ने दानिश अली को गले लगाया। राहुल गांधी ने एक्स पर इस मुलाकात की फोटो शेयर की है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा, वह मेरा मनोबल ऊंचा रखने और अपना समर्थन देने के लिए यहां आए। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं और जो भी लोग लोकतंत्र के साथ खड़े हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। उनके साथ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। रमेश बिंदुरी के बयान को लेकर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला है। ओवैसी ने बिंदुरी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इस वीडियो में चौंकाने वाले कुछ नहीं है। भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन नया निचला स्तर मिल जाता है। मेरा भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि इसे आगे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसे ही सलूक हो रहा है जैसे हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। मेरा सुझाव है कि जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, पीएम मोदी, क्या आपके साथ संसद में आतंकवादी बैठते हैं? क्या आरएसएस में यही भाषा और संस्कार सिखाए जाते हैं? मैंने तो सिर्फ मणिपुर हिंसा का मामला उठाया था तो मुझे निलंबित कर दिया गया। अब इस गाली गलौज करने वाले सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इस विवाद पर दानिश अली ने प्रतिक्रिया दिया। दानिश अली ने कहा, एक्शन नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा सांसद पद। घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों पक्षों द्वारा इस तरह के अनुचित भाषा के प्रयोग की निंदा कर चुके हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली में अपने सांसद रमेश बिद्री को लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी ने रमेश बिद्री से 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा है। इस घटना पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में रमेश बिद्री द्वारा दिए गए बयान को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को उन्हें भविष्य में इस तरह के आचरण पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस वीडियो में हमने संसद में घटित घटना पर चर्चा किया है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।